दिल्ली के पास हरियाणा के बल्लभगढ़ में आज निकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हाईवे से खदेड़ना शुरू किया। इससे पहले निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में महापंचायत भी हुई, जिसमें अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। महापंचायत में शामिल हुए लोगों ने निकिता की हत्या के आरोपियों पर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने और उन्हें जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। और ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन के दौरान की है जब बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और निकिता हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। ऐसे में दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आवाज बुलंद करते रहे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में यह प्रदर्शन होता रहा और ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों ने हाईवे भी जाम कर दिया। दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरह से जाम रहा। बल्लभगढ़ में इस वक्त मौजूद हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, इस वक्त क्या हालात वहां बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। जहां पर महापंचायत चल रही है वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन जिस तरह से अचानक से, अब मेरे लेफ्ट में कैमरा पर्सन ईश्वर दिखाएंगे, ये हाईवे है, ये मथुरा आगरा हाईवे है, दिल्ली आगरा हाईवे है, और इसको जाम कर दिया था। उसके बाद पुलिस तुरंत यहाँ पर पहुँचती है और ये आप जो देख रहे हैं फोर्स, ये पूरी मुस्तैदी से इसने और स्थिति को नियंत्रण में कराया। हालांकि हल्की सी लाठीचार्ज भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में। और यहां पर आप देख सकते हैं पंचायत में तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे थे, शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत आगे चल रही है वहां पर, और यहां पर फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसको लेके यहाँ पर पूरी तरह से, जो ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पलवल का रोड है, मेरे कैमरा पर्सन आपको ईश्वर दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए महिला फोर्स भी पूरी तरह से तैनात की गई थी, और आगे ये पलवल का रोड है, यहाँ पर ही प्रदर्शनकारी कुछ उग्र हो गए थे। जिस तरह से निकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद उन्होंने सड़क को जाम किया था, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लोगों को लाठीचार्ज भी किए, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि जो महापंचायत है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और वहाँ पर लगातार ये अपील की जा रही थी कि महापंचायत को सफल होने दिया जाए और निकिता को इंसाफ मिले। जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट से हत्यारों को फांसी की उनकी मांग थी, लव जिहाद उनका एक बड़ा मुद्दा था कि उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था एक मुद्दा था, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है और जो रोड है पूरी तरह से फिर से उसका जो ट्रैफिक है, यातायात बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। प्रशांत, ये महापंचायत भी बुलाई गई थी, आखिर इसकी क्या वजह थी? अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो इसके अलावा और क्या और किस तरह की मांग है जो कार्रवाई इन्हें होती हुई नहीं दिखाई दे रही? जी देखिए प्रशांत, सर्व समाज के लोगों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां से महज 200 मीटर दूरी पर ही वो दशहरा मैदान है जहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया था। और इस महापंचायत में न केवल दिल्ली, हरियाणा, बल्लभगढ़, मेरठ, फरीदाबाद, राजस्थान से लोग आए थे। सब लोगों का ये मांग थी कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक मदद की जाए, और जो आरोपी हैं जिन्हें बल्लभगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी दी जाए, और लव जिहाद के जो मामले लगातार बल्लभगढ़ में बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की कि कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत होना चाहिए कि लड़कियाँ खुलेआम सड़कों पर निकल सके। जिस तरह से निकिता की सरेआम हत्या की गई वो बेहद ही निंदनीय है, उसको लेके यहाँ पर लोग अपना गुस्सा और रोष प्रकट कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अचानक से कुछ लोग उग्र हो गए और वो सड़कों पर आ गए, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन बड़ी तादाद में लोग इस हाईवे पर उतरे हैं, अगर इन लोगों से आपकी बात हुई, क्या इनका कहना था, क्या इस तरह की हरकत से और दूसरे लोगों की परेशानियां नहीं बढ़ रही, और जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उससे आखिर क्यों असंतुष्ट हैं वो अब तक? जिले के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो महापंचायत में शिरकत करने आए थे, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप भी महापंचायत में शिरकत करने आए थे, किन मुद्दों को लेकर आप महापंचायत में आए थे और कानून व्यवस्था भी है कि वो बनी रहे, जो महापंचायत से अपील की जा रही थी? जी महापंचायत में आए हैं हम, निकिता जो है अपनी बहन है उसको न्याय मिले, बाकी हम साथ में हैं, युवा साथ में हैं सभी उसके।
भाई साहब, लेकिन जिस तरह से अभी जो घटना हुई वो थोड़ी निंदनीय थी और पुलिस ने उसको रोका भी, आप लोगों ने भी, कई लोगों ने मदद करी कि ये प्रदर्शन के दौरान जो पत्थरबाजी हो या वो ना हो, लाठीचार्ज ना हो, तो आपको लगता है महापंचायत का मकसद था कि निकिता के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए? देखो ऐसा था, आसानी से हो, जितना भी उपद्रव नहीं हो और प्यार से हमें न्याय मिल जाए, लड़की को न्याय मिल जाए, कोई भी ऐसा कांड ना हो जो पुलिस वालों को दिक्कत रहे और हमें दिक्कत रहे। प्यार से हैं, प्यार से सहयोग देने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए और क्या मांग लेके यहाँ पर पहुँचे थे आप? जी हम भिवाड़ी से आए जी, हम तो ज़्यादा अपने बहन को न्याय मिले। तो देखिए प्रशांत, यहाँ पर तमाम लोग इसी उम्मीद से यहाँ पर पहुँचे थे महापंचायत में, जैसा मैंने आपको बताया, न केवल बल्लभगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम लोगों से करणी सेना या दूसरे हिंदू संगठन जो हैं या और अन्य संगठन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और ये तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ना बिगड़े उसको लेते हुए भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, महिला फोर्स यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार वॉच कर रहे हैं पूरे इलाके को। और ये आगे जाके ये रोड है, यहीं पर दशहरा मैदान है जहाँ पर महापंचायत चल रही है, सुबह 10 बजे से तमाम लोग उसमें इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसको देखते हुए बल्लभगढ़ फरीदाबाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है कि कोई भी कानून हाथ में ना ले और महापंचायत जिस मकसद से चल रही है और वो उन मुद्दों पे बात हो। तो लगातार आप देख सकते हैं सीनियर अधिकारी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और चप्पे चप्पे में नज़र रखी जा रही, जिस तरह से अचानक से पत्थरबाजी हो गई थी और पुलिस को फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, उस तरह की कोई नौबत फिर से उत्पन्न ना हो और जो हाईवे है उसको लोग जाम ना करें, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि महापंचायत वहाँ चल रही है और वहाँ से भी अपील की जा रही थी कि निकिता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है। आनंद, पुलिस वाले कुछ बता पा रहे हैं कि अगर महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसकी अनुमति मिली थी, तो आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए कि हल्का पथराव भी हुआ, बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा, ये ट्रैफिक जाम की नौबत तक आ गई? कुछ अधिकारी इसके बारे में जानकारी दे पा रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ देर में जारी करेगी कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी कि अचानक से जब एक तरफ महापंचायत चल रही है और ये प्रशांत मैं आपको दिखाऊंगा, ये हाईवे है, इस पर अचानक से पहले कुछ लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, उसके बाद अचानक से देखते देखते आगे आप जो रोड देख रहे हैं ये पलवल का रोड है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, उसके बाद अचानक से पुलिस को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जो निकिता के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद होना चाहिए बल्लभगढ़ में, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं या हाल में जो निकिता के साथ जो दर्दनाक वारदात हुई है उस तरह की वारदात फिर से ना दोहराई जाए, उसको लेके लोग थोड़े आक्रोश थे और आक्रोशित होकर वो सड़कों पर उतरे। पुलिस ने उन्हें समझा दिया कि सीधी तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए पुलिस लगातार अपील कर रही है, मेरा कैमरा तो ईश्वर आपको दिखाएंगे, देखिए ये तस्वीरें पुलिस की हैं, पुलिस यहाँ पर बाकायदा पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी स्थिति को बिगड़ने ना दे। ये देखिए ये वो फोर्स है जिसे लाठीचार्ज करना पड़ा था और लोगों को तितर बितर करना पड़ा था, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में, और यहाँ पर देखिए तमाम अधिकारी जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं अपने महातज जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। तो ये फोर्स देखिए यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों की अपील की जा रही है कि वो कानून हाथ में ना ले। प्रशांत बिल्कुल, तमाम अधिकारियों से भी आप बात करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए, क्या इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी, और दूसरी तरफ जो लोग महापंचायत कर रहे थे आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई कि लोगों के लिए तकलीफें पैदा हो गई, हाईवे तक उन्हें जाम करना पड़ा, पथराव की नौबत कैसे आई, लोगों से जिनकी भी आपकी बातचीत हो पा रही है किस तरह की बात वो रख पा रहे हैं अपने बच्चों? देखिए यहाँ पे एसीपी साहब है हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अभी स्थिति किस तरह की है? सर स्थिति क्या है सर अभी यहाँ पर? स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी इशू नहीं है, किसी शरारती तत्वों ने थोड़ा सा एक बार रोड पे आने की कोशिश करी थी जी, तो उनको एक बार बता देखा था, मतलब आप लोगों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लोगों ने पत्थरबाजी करी, लेकिन महापंचायत से ये मैसेज दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये महापंचायत है और अब स्थिति नियंत्रण में लग रही है। हाँ बिल्कुल, स्थिति नियंत्रण में। सर कुछ लोग क्या इसमें कार्रवाई हुई है, किन लोगों पर? कुछ लोगों पर नहीं, अभी करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करके जिस जिस लोगों ने शरारत करने की कोशिश की है उनको
उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो अचानक से माहौल खराब है नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भीड़ की एक तरफ से वहाँ महा पंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी आइडेंटिफाई ऐसे होया नहीं है ऐसे कोई पर्टिकुलर। तो देखिए प्रशांत, ये ACP हैं जो यहाँ पर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए, इन्होंने कहा कि लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि किन लोगों ने यहाँ पर अराजकता फैलाई है या जो अशांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत के अंदर बहुत रोष है। आज प्रदेश से ही नहीं और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, सबके अंदर बहुत भारी रोष है और एक ही मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला मुकदमा जाए और इन जो अपराधी हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो, सबसे पहली मांग यह है। उसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि इस तरह के कानून बने, लव जिहाद के खिलाफ कानून बने ताकि और कोई निकिता बेटी इस तरह ना मारी जाए, हमारी बेटियां इस तरह शिकार ना हो, इस तरह के कानून भी सरकार लेके आए। सर क्योंकि अभी पूरी हो चुकी है 8 तारीख को, फिर से आपने कुछ फाइनल डिसीजन के लिए कॉल किया है, क्या रहेगा और आज में क्या अभी कंक्लूड हुआ आपका? देखिए आज महापंचायती सर्वजातीय महापंचायत थी और 8 तारीख को वीरांगना श्रद्धांजलि सभा है। हमारी जो बेटी निकिता तोमर है वो शहीद हुई है, उसकी हत्या नहीं है, वो शहीद हुई है। जिस तरह उसने अपने आप को आतंकी से छुड़ाया और जिस तरह अपहरण से अपने आप को बचाया, अपने बचाते बचाते वो गोली से शहीद हुई है, हमने उसको एक शहीद का दर्जा दिया सर्व समाज ने। उस वीरांगना को 8 तारीख को यहाँ पे श्रद्धांजलि पूरा समाज देगा, 8 तारीख को वो कार्यक्रम है और उसमें भी आज जो फैसले लिए गए हैं महापंचायत में, जो आज फैसले लिए हैं 8 तारीख को हम हुंकार भरेंगे उन फैसलों के लिए, पूरा सर्व समाज हुंकार भरेगा कि सरकार इस बारे में सोचे कि आगे इस तरह की कोई वारदात कोई घटना। महापंचायत में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की अपील की गई है, मांग की गई है बल्लभगढ़ हरियाणा में यह महापंचायत, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप सुनिए। एक राष्ट्रव्यापी इस प्रकार का एक कॉल दी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनको अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए और जो प्रदर्शन भी है उसको शांतिपूर्वक करें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं आनंद तिवारी। आनंद, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई कानून हाथ में ना ले, लेकिन हर किसी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। आखिर ये महापंचायत की गई थी तो अशांति की नौबत क्यों आई, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इस तरह लिए भी जायज है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। महापंचायत में भी बात की गई थी कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी थी कि इस तरह की वारदात दिन दहाड़े निकिता के साथ उसको अंजाम दिया जाता है और इसलिए तमाम राज्यों के तमाम इलाकों के आसपास के लोग जो है वो महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। इन मुद्दों पे बात हुई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा हो, परिवार को आर्थिक मदद मिले, कानून व्यवस्था जो है बल्लभगढ़ की वो मजबूत रहे, लव जिहाद का उन्होंने मुद्दा उठाया था। लेकिन अचानक से जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है और अभी अभी जो इलाके के ACP है उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने बोला कि जो भी लोगों ने यहाँ पर अराजकता या कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की उन पर भी कार्रवाई की बात अब पुलिस प्रशासन की ओर से कही गई है। आनंद फिलहाल शुक्रिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक कारोबारी ने लॉकडाउन के दौरान परेशान किसानों के लिए एक अनूठी पहल की जिससे किसानों को खेती का सामान घर बैठे मिलने लगा। इसके लिए अतुल पाटीदार नाम के युवा कारोबारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के फार्मकॉट नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जिसके जरिए किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे खेती से जुड़े दूसरे जरूरी सामान की घर पर ही डिलीवरी होने लगी और अब तक 4,000 से ज्यादा किसान उनके इस ऑनलाइन बाजार से जुड़कर फायदा उठा चुके हैं। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान, सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेनर। कोरोना काल में किसानों को बाजार जाने की